अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है माशाल्लाह यहाँ जुम्मे का दिन और मेरे आप लोग बैक टू बैक ब्लॉग्स देख रहे होंगे, मगर मैंने वो बैक टू डेज के ब्लॉग से मैं वो डाल रही थी और पिछले दो चार दिन से मैंने नहीं बनाए ब्लॉग। अभी बस नाश्ते का टाइम है और बस नाश्ता कर रही हूँ ऊपर। अभी आज लॉफ्ट फिर से कर रही हूँ, खोल ली है क्योंकि हम लोगों ने ऊपर उसकी फ्लोरिंग पर सारी वुड करवा ली है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो उसका फ्लोर था ना वो ख़राब हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से हमारी इधर जो रूफ़ है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ने लगे थे। तब हमने उसको सही से मज़बूत अब बनवा दिया है और मैंने अब अपना ऑफिस भी ऊपर मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए टेबल भी है और सब चीज़ें ऊपर सेट करनी है। अरे इसके लिए मैंने बस सोचा पहले तो कुछ खा लूँ, अभी काफ़ी काम मैंने कर लिया ऊपर, मगर अब मैं सोचा कुछ खा के फिर जाती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं अपने लिए एक स्पेशल सा नाश्ता, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्राई करी है, साथ मैंने अभी ये ऑयल भी निकाली है कि मैं बालों में लगाऊंगी, साथ टोस्ट है और ये एक अमरूद की एक सॉस सी है जो मैं लगाऊंगी इस पर, एवोकाडो अमरूद की। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी, मुझे फूड फेस्टिवल से मिली थी और साथ इसके ऊपर फिर मैं एग डालूंगी, तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। चलो जी, मैंने सॉस डाल दी है इसके ऊपर, अब मैं ये देखें ये क्या हो गया इसका। चलो ये हो गया मेरा नाश्ता रेडी। अब आज मैं सोच रही हूँ सैलून जाके अपने नेल्स भी करवा लूँगी, देखे हाल मेरे टूट गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बस अगर जल्दी फारिग हो गई तो करवा लूँगी। साथ में मैंने पहले अपने लिए कैप्रिसन नाश्ता करती हूँ और आपसे मिलती हूँ फिर ऊपर लॉफ्ट में। अच्छा ये देखें आप मेरे स्टोर की हालत, अब ये सारा कुछ मैं सॉर्ट आउट करने लगी हूँ क्योंकि मुझे अब इसका थोड़ा सा सेटिंग चेंज करनी है, जो नॉर्मली मैं बेड कवर्स रखती हूँ एक नीचे एक कमरे के, वो उस बैग के अंदर है, ये वाले बैग के अंदर और एक इस बैग के अंदर है। तो अब ये मैं इसको निकालना चाह रही यहाँ से, ताकि यहाँ सारी मैं ये ऐसी ब्लीच ये चीज़ें और किचन टिश्यू टॉयलेट टिश्यूज रखूँ ऊपर, या इधर रखूँ या उधर रखूँ, और ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट मैं करने लगी हूँ। One hour later. चले जी, मैंने ये सारा साफ़ कर लिया स्टोर, मैंने सारी ये फेरी सीधर रख दी हैं और ब्लीच रख दी है, बच्चों की गेम्स हैं, टॉयलेट टिश्यू फेस टिश्यूज और किचन टिश्यूज़ हैं, इसके अलावा यहाँ टॉवल्स रखी हुई हैं। इसकी इसका मोटा पेट ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ये हम कश्मीरियों की तरह इसका पेट ना हमेशा भरा रहता है। इसके अंदर मैं रखती हूँ बेड कवर्स सबके बेडरूम्स के, और बाकी नीचे ये मेरे कपड़ों के बास्केट है, हूवर है, थ्रोज हैं, और पीछे वो जो बास्केट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा शॉपर्स हैं बिन्स के लिए, बाकी ये भी टॉयलेटरीज है, यहाँ पे आमिर की शेविंग का सामान है, तो बस ये सारा आउट आउट कर दिया है। A few hours late. कुछ अर्सा पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने जितना भी ये मेरा लॉफ्ट का सामान था, जो फालतू सामान था वो मैंने फेंक दिया था, जो चैरिटी में देना था वो चैरिटी में डाल दिया था। अभी रिसेंटली हमने ये अपने इसकी छत देख रहे हैं, फ्लोरिंग है ये सारा हमने प्रॉपर वुडन फ्लोर दोबारा से करवा लिया है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे नीचे कमरों के छतों पर क्रैक्स पड़ रहे थे, और ये चीज़ें सारी मैंने सॉर्ट आउट कर दी, इससे हमारा काफ़ी कुल्लब हो गया और मिडल में हमने अपना ऑफिस टेबल भी बना लिया था। 20 मिनट्स लेटर। चलिए जी, काम शाम करके रेडी हो गई हूँ और जुमे की नमाज भी मैंने पढ़ ली है, बस अम्मी की तरफ जाती हूँ, सब डेढ़ बजने लगा है, 15-20 मिनट तक मैंने बच्चे लेने चलना जाना है, तो मैंने सोचा जाके अम्मी से भी पूछ लूँ कोई है तो वगैरह चाहिए खाने के लिए। तो आज मुझे लगता है अम्मी बना रही है पुलाव, क्योंकि हम नॉर्मली अम्मी बनाती हैं हफ्ते वाले दिन, मगर आज अम्मी क्योंकि कल हमने जाना है किसी की तरफ डिनर पे, वो लोग अम्मी के और बहन के लिए उमरा का डिनर उन्होंने अरेंज किया हुआ है, तो हम लोग भी जाएंगे, तो इसीलिए फिर अम्मी ने सोचा होगा कि आज हम पुलाव बना ले। और आज मैंने पहना है पीला ड्रेस मौसम के मुनासबत से, क्योंकि आज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप है और ये बाहर का वेदर देख लें कितना अच्छा मौसम है, तो जब ऐसा मौसम होता है फिर दिल करता है कोई नाइस लाइट एंड ब्राइट कलर पहना जाए, तो मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। ये देखें मेरा ड्रेस येलो कलर का लॉन्ग का, आई थिंक सना सफीना का ड्रेस है मेरा, ये मैं फुल दिखाती हूँ। ट्राउज़र मैंने अपना खुद पहना है क्योंकि ये सिर्फ शर्ट और दुपट्टा ही था, तो इसको मैंने प्रेस करने की भी जहमत नहीं की क्योंकि मैं ऐसे ही हैंग कर लिया मैंने और अब ऐसे ही निकाल के पहन लिया। देखें चले जी, अब चलती हूँ अम्मी की तरफ और देखती हूँ वो क्या कर रही हैं, क्या बनाए हैं। मैंने भूख लग गई है क्योंकि काफ़ी देर से मैं काम कर रही थी, लॉफ्ट में इतना टाइम तो नहीं लगा, तो देख लूँ उनका कुछ सामान तो नहीं रखे जाना। ये जैन की स्विमिंग शॉर्ट्स हैं जो कि उसको छोटी हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि बहनों से पूछ लूँ अगर उनको अपने बच्चों के लिए चाहिए तो फिर वो ले लें। और ये मैं आपको पौधे दिखाती हूँ जो अम्मी ने कल मेरे घर आके लगाए हैं बाहर, ये वाले। अभी ये सारा सफाई करनी है, इस दफ़ा मैंने इसका पेंट भी करना है ग्रे कलर का क्योंकि मेरी टाइल्स ग्रे है,
तो ये भी मैं ग्रे करूँगी। तो अभी ये छोटे हैं मगर ये इंशाल्लाह एक आध महीने तक आप देखिएगा कि कितना ग्रो हो जाएगा और ये बाहर तक निकलेंगे, इतने फैल जाएगा ये। और ये कमी ने लगाया क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पहले था वो जल गया था, और ये वाला भी लगाया, ये हम मुझे लगता है लास्ट वीक लगाया। और ये देखें कितने ज़्यादा फूल आ गए, अभी ये कलियाँ हैं, इंशाल्लाह ये देखें ऐसे फूल निकलेंगे। और ये फ्लोर पर इंशाल्लाह कल पाइप से फिर सारा साफ करूँगी। चलें अम्मी की तरफ चलें। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये कहने कमी लगी होंगी कामों में। क्या बना रही है आज, पुलाव बना रही है? मैं पुलाव बनाने के नाल सही हो गए। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा कल जाना भी था हमने उनके तरफ। मैं यही वो सबा लेने आई ना मसाला, तो मैंने यही सोचा मैंने कमी ने आज लगता है पुलाव बना रही है। कौन से मेहमान आ रहे हैं? नहीं मैंने कहा था जो मेरे पौधे पड़े हैं वो लगा लेती, मगर ये भी अच्छे लग रहे हैं। मैं मगर बहुत प्यारे लग रहे हैं, मगर मुरझा गए हैं। तो उन्होंने कितने बजे आने मेहमानों ने? अच्छा चलो ठीक है, फिर एक ही दफा ज्यादा बस ठीक है। अगर कहती तो मैं बना देती फलूदा, क्या करना है क्या, बस ये रखा हुआ है अभी दूध को ठीक है। और फलूदा डालने की थोड़ा सा पकेगा। अच्छा ये फ्राई बैंगन है क्या? फ्राई बैंगन को एग्जॉस्ट तो कर लूँ। हाँ अच्छा, क्या फ्राई बैंगन है ये? ये वो जो काका वो कहती है। चल जी अम्मी को चाहिए है लहसुन अदरक, और मैं इतनी भरी फ्रिज में से भरती हूँ लहसुन अदरक, आटा भी चाहिए इसको ना। ये है मेरा लहसुन अदरक। चलो ये दो चीज़ें लेके जाते हैं। शामी के बाबा के चार हैं। अच्छा चलिए अब लेने चलते हैं बच्चों को, पौने दो गए। चलो जी गर्म है गाड़ी। अच्छा यहाँ पे बैठ के मैं अपनी ग्लासेस ढूंढ रही थी जो मैं नॉर्मली गाड़ी में रखती हूँ, और इस दिन मुझे पता चला कि मेरी ग्लासेस जो हम कुछ दिन पहले नवाब रेस्टोरेंट गए थे उमरा की दावत हमारी किस फ्रेंड ने अरेंज की थी, तो वहाँ पे चो रहे। और मैं यहाँ पे इतनी वो परेशान हो गई थी क्योंकि वो मेरी ब्रांडेड सन ग्लासेस थी, और मुझे ये परेशानी हुई थी कि मैं कहाँ वो चो रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने रेस्टोरेंट भी फ़ोन किया, उनसे कांटेक्ट किया, मगर वहाँ पे भी नहीं थी। अब मिली होगी अगर किसी वेटर को भी तो रख ली होगी, अब मुझे अल्लाह पता, अल्लाह जानता है। A few moments later। चलिए जी आपको मैं बच्चे दिखाती हूँ, कितना बच्चा मेरी गाड़ी से निकला। एक ये आ जाओ भाई, ये देख लें आए मेरा हैंड पकड़, हाथ पकड़ मैं कौन माशुक्र कब आ जाओ भाई। ये और पीछे दो डिक्की में भी हैं, ये सारा बच्चा मेरी गाड़ी में था। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। अम्मी वो बनती है कॉर्न फ्लावर की? हाँ वो मुश्किल काम तो है। हाँ ठीक है ऐसी डालो, आपके पास की तो सही ऐसी बड़ी पुलिस स्पॉन्सर टी शर्ट बोट का कौन स्प्राइट देखो सोनी, पॉजिटिविटी देखते स्प्राइट देखो हम। अब मुझे टाइट है तार दो टाइट है। अमित साहब रख दिया कि कुछ आना है अभी बीच में? चिकन आना है ठीक है। एंगल सी में बना रही हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश है उम्र की हम कब गरम 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 पंजाबी फैशन नहीं कर सकता मैं, क्या मैं करके दिखाऊं? ये हमेशा लोगों के अल्लाह ऑफिस में घंटे लग जाएंगे, वो हमारे नेबर खिड़कियां मारेंगे जोर जोर से, मगर हमने आते नहीं बदलने। और ये देखें जी ये कोई बंदा हमारे घर आ जाता है मेहमान, ये उसकी गाड़ियाँ फोलम फाल कर देते हैं, इसका इंजन तक खोल के चेक कर लेंगे कि गाड़ी कौन सी है। इतना शौक है ये मेरे शौहर को और भाइयों को। A few moments later। और ये देखें जी बच्चों के डांस प्रैक्टिस, मेरी भांजी की स्पेशल बर्थडे आ रही है इंशाल्लाह जुलाई में, तो उसके लिए डांस प्रैक्टिस हो रही थी। और ये बांदरों को देखिए कैसे उछल रहे हैं, और हम लोग हंसी जा रहे थे उनकी हरकतें देख कर।
माय बेस्ट। द नेक्स्ट डे ये लीजिए आइसक्रीम आ गई है फिर से, इसका म्यूजिक मैं करना भूल गई, और ये शाम साहब आ जाते हैं पटापट ऐसे ही। और ये है हमारे नेबर जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलते हैं घर फाइनली, एक घंटे की वॉक करने गई थी और अब घर आ गई हूँ, और वो साथ घर से आ रही है साबिर की रोनी की आवाज़। अब बस मैं जा रही हूँ अलीशा को पिक करने, साथ सिटी से तो चीज़ें लेनी है, सनब्लॉक लेना है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अलीशा के साथ फिर प्लान बन गए थे कि सिटी सेंटर थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, और अलीशा के साथ ऐसे प्लान बनते रहते हैं, शान के साथ भी बनते हैं कभी, जैन के साथ। तो बच्चे जब टीन एज में आ जाते हैं ना, तो उनके साथ थोड़ा सा आपको फ्रेंडली होना पड़ता है, थोड़ा मदर वाला रोल थोड़ा सा चेंज कर लेना पड़ता है। और बच्चे जब मेरे छोटे थे तो मेरा बहुत रोब होता था उन पर, बहुत मुझसे ना बच्चे डरते थे, मगर जब वो टीन एज में आ गए तो फिर मैं उनके लिए ऐसा फ्रेंडली मॉम रहती हूँ। अब ज़्यादातर रोब भी है, अभी उनको अपनी लिमिट भी पता है कि उनको भी पता है कि क्या चीज़ हमें अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। और बेहतर तरीका ही यही होता है बच्चों के साथ कि आप उनको उनकी वैल्यू समझाएं, उनकी लिमिट समझा दें। और बस बच्चे ज़ाहिर सी बात है जब टीन एज में आ जाते हैं थोड़ा सा केयरफुल भी पेरेंट हमें रहना भी पड़ता है। और मेरी तो बेटी भी एक है, तो ज़ाहिर उसकी कोई सिस्टर नहीं है, तो वो यही होता था कि फिर मैं उसके साथ ऐसा सिस्टर ऐसा फ्रेंड, मैं उसके साथ इतनी क्लोज हूँ कि कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मेरे बेटे को भी इवन, तो वो सबसे पहले फिर मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उन्हें पता है हमारी माँ के पास हर तरह का सलूशन होता है प्रॉब्लम का। तो ऐसा ही होना चाहिए, इंसान को चेंज हो लेना चाहिए। वो बहुत पुराना टाइम होता था जब माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि बच्चा अपनी बात कहने के लिए अपनी बात समझाने के लिए झिझकता रहता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को वक्त के साथ साथ चेंज होते रहना चाहिए। और जैसे स्ट्रिक्ट मैं अभी भी हूँ, मगर मेरा अंदाज इस चीज़ बदल चुका हुआ है। अब मैं बच्चों की ख्वाहिशें जितनी उनकी हम लिमिटेड में रह के कर सकते हैं हम उतनी पूरी करते हैं, और बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए होता है। और मैं कहती हूँ एहसास एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर इंसान में होना चाहिए, और बच्चों में खासकर, कुछ लोगों में नेचुरली होता है, कुछ लोगों को कभी कभार एहसास दिलाना पड़ता है, बेशक वो आपकी अपनी औलाद हो या कोई और हो। और यहाँ पे तो माहौल थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंट है, यहाँ पे बच्चों को हम लोग तो माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं कि हमारे आसपास मेरे बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, कितनी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके आपस आसपास कोई रिश्ता नहीं होते, वो अकेले यहाँ पे रह रहे होते हैं और उनको पता नहीं होती फैमिलीज़ का कि कज़न्स का, ये रिश्तों को वो तरसते होते हैं, उनको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। तो इसीलिए कभी कभार आपको बच्चों में या बड़ों में एहसास दिलाना पड़ जाता है इस चीज़ का, और कभी आप अपनी बातों से दिला सकते हो, कभी अपने एक्शन से उनको बता सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वक्तन बच्चों को समझाते रहना चाहिए। समझाने से भी ज़्यादा मैं तो इस बात पर बिलीव करती हूँ कि जो बच्चा आपको जैसे करते हुए देखेगा वही रिपीट करेगा। तो आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनका एहसास करें, अपने रिश्तों बाकी रिश्तों का एहसास करें, तो बच्चा खुद बखुद वो आपकी आदत को अडॉप्ट करेगा। कुछ लोग होते हैं जो बेटों की ज़्यादा साइड लेते हैं, उनकी ज़्यादा केयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेटी, मगर मुझे हमेशा से ये होता है कि बेटियों की ज़्यादा केयर करनी चाहिए, उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा पूरी होनी चाहिए। तो मैं हमेशा दो बेटे हैं माशाल्लाह मेरे, मगर और दोनों छोटे हैं, बेटी बड़ी है, मगर फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ बेटी को ज़्यादा दे देना चाहिए, बहनों हो गई या बेटी हो गई, कि इन सारी बात है इंसान के नसीब अल्लाह सब के नसीब अच्छे करे, कुछ पता नहीं होता बेचे का, मगर फिर भी मुझे होता है हमेशा बेटी को ज़्यादा भी चला जाता है, या उसको ज़्यादा का अगर गिफ्ट होता है बर्थडे का या कुछ भी और चीज़ होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटियों के लिए ज़्यादा एहसास होना चाहिए। चलिए जी अपने सन ब्लॉक अब खोल के लगाते हैं, सामने रखते हैं, और आपको ये भी दिखाती हूँ जो मैंने ऑर्डिनरी की चीज़ें ली हैं, पैकिंग ज़बरदस्त है इसकी। फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करने लगी हूँ मल्टी पेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी, ये हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। अभी कितना अच्छा है ये मैं अब जब टेस्ट करूँगी तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। तो खोलते हैं और इसको भी लगाते हैं, आफ्टर एवरी फेस हेयर वॉश ये लगाना है। बच्चे इनका हल होने के तो मैंने ऑब्वियसली पहले यूज़ किया हुआ, तो उसका रिव्यू मैं आपको दूँगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से इसका ये यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने आज के लिए भी गिफ्ट रेडी कर लिए हैं, चॉकलेट बॉक्सेस और सम स्नैक्स और भी हैं, चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट बॉक्सेस हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक हमें जाना है उनके लिए भी मैंने गिफ्ट रेडी कर लिया है, उनके लिए भी चॉकलेट बॉक्सेस हैं, और ये घर का गिफ्ट है।
तो ये नेक्स्ट वीक हमने जाना है वो घर, उनके घर हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इसलिए उनके लिए घर का जा रहे हैं। One hour later. अच्छा सिटी से आके मैं थोड़ी देर सो गई थी तो अभी उठी हूँ, तो मैंने ना वो ऑर्डरी का डायरी वाला जो है ना, ये वाला किस कौन सा था, ये ऑर्डरी का मैंने ना लगाया और लगा के सो गई। जब मैं उठी तो बाल इतने मेरे ग्रीसी हो रहे थे फ्रंट से, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने अलीशा ने कहा कि मामा आप ऐसा करो कि थोड़ा सा फ्रंट से ना वॉश कर लो, और मैंने वॉश किए तो शुक्र है थोड़ा सा वो ग्रीसी चीज़ ख़त्म हुई है। अब थोड़ा सा हल्का सा इधर हॉट ब्रश मारूंगी ताकि ठीक हो। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त हॉट ब्रश देखकर आई हूँ GHD का, और वो लगा हुआ था सेल पे, तो मैं सोची मैं वो ले लूँ। खैर मैं फटाफट रेडी होती हूँ, ड्रेस मैंने आउटफिट्स दो निकाले हैं मैं दिखाती हूँ। ये वाला देखिए मैं अभी खोल के ना ये करने लगी थी। खैर एक ये मेरा है ड्रेस जो मैं पाकिस्तान से ही लाई थी, और ये हेड एंड ड्रॉप का, ये मेरा एक अच्छा लॉन का ड्रेस है, नीचे एम्ब्रॉयडरी वगैरह है पिंक कलर का, साथ मैंने इसके ये नेट का दुपट्टा निकाला है, साथ वाइट ट्राउज़र है, और एक है मेरा ये भी येलो वाला। Later. आपने कोई पिक किया है या ईशल के बर्थडे के लिए? मेरे साथ कर लेना ना, यू एंड मी। कल आपने अच्छा किया था ना डांस, कल रात को। No, boy, it was good, बेटा। आपने अभी शान भाई का नहीं देखा था फुट्टे वाला डांस? A few inches later. ये वाला? हाय हाय वो बच्ची ले लिया वापस। अच्छा ड्रेस भी वैसे ही है ये मेरा पोचिन का। अच्छा खाना बहुत ही मजे का था, बहुत ही कमाल का था। ये बारबेक्यू सीख कबाब थे, चिकन था बारबेक्यू का, और हलीम थी, गोश्त का पुलाव था, फिश फ्राई थी, पास्ता था, और चिकन सैंडविचेस थे, और बंस वगैरह भी रखे थे कि जिन्होंने अगर कबाब या चिकन रखना था। इसके अलावा जो हलीम थी, दही भले बहुत मज़े की थी, कुछ सैलड होता है ये बहुत मज़े का था, साथ सॉस पड़ी थी, और बहुत बहुत मज़ा आया खाने का, और बहुत ही माशाल्लाह मेहनत से बनाया हुआ था। अरे पहले आदमियों को शर्ट बख्श दे ना हम लोग जी। मोना वो तुम्हारे फ्रेंड पे फूल लगा है, मिल्क केक, रसमलाई मिल्क केक है, इसमें रसमलाई का टेस्ट होता है, नहीं खा के देखो। हाँ जी चलो हर जगह खाली करो, चलो बच्चों को अपना अपना लेके निकलो, ठीक है। सनी क्या हो रहा है, क्या बीमारियाँ हो रही है, जब मैंने भी लेना। रो रही है, ओए 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 अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया, बिल्कुल एक घर वाली फीलिंग आती है जिंदगी में। बाकी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे इतनी अपनाइत फील होती है कि बिल्कुल वो लगता है आपकी फैमिली का ही एक हिस्सा है, और माशाल्लाह अल्लाह खुशकिस्मत लोगों को ही ऐसे अच्छे लोगों से मिलाता है। तो बाकी आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैं अपना इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।